हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठ शाला। कल मैंने इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम के बारे में एक वीडियो डाली थी, जो समर 2002 की ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम हो रही है। यह एग्ज़ाम स्कूल लेवल का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लास फर्स्ट से 10th तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था इसका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड में बच्चे जिस भी क्लास के हैं उन सभी से रिलेटेड सिलेबस ही रहता है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है तो फर्स्ट क्लास का जो सिलेबस रहता है CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड का ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहते हैं। तो चलिए स्टेप बाई स्टेप इसमें हम जान लेते हैं कि पेपर जो है सिंगल क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं इसमें एग्ज़ाम के लिए, और आपका जो ये एग्ज़ाम जो होता है मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। सबसे पहले हम जानेंगे कि टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो क्लास वन से फोर्थ तक के बच्चों के लिए थर्टी फाइव क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मार्क्स 100 का रहता है और निगेटिव मार्किंग, ध्यान दीजिए निगेटिव मार्किंग, देयर इज निगेटिव मार्किंग फॉर इच रॉन्ग आंसर। निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में की जाती है। एग्जाम का पैटर्न जो रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है और साथ में OMR सीट आपकी रहती है, जो आपको उसमें गोला बनाना रहता है। एग्जाम का ड्यूरेशन जो है 60 मिनट अर्थात एक घंटे का रहता है। अब हम जानेंगे एग्जाम का मेथड क्या है। ऑनलाइन एग्जाम आप इसमें दे सकते हैं, फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उससे जाकर जरूर देख लें। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एग्जाम जो है 15 एंड 22 मई को है ऑनलाइन एग्जाम। और अब हम जानेंगे सिलेबस। ऑनलाइन ओनली थ्रू स्कूल के द्वारा भी आप दे सकते हैं और इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। स्कूल के थ्रू अगर आप दे रहे हैं तो 28 मार्च को उसकी एग्जाम होगी, और ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो 15 एंड 22 मार्च को क्लास वाइज, वहाँ मैंने डाल रखा है, आप डिटेल्स चेक कर लेंगे। अब हम जानते हैं सिलेबस फॉर क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगी, तो इसमें टोटल आपका 4 पेपर्स रहते हैं। फर्स्ट पेपर में आपका रहता है मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपके टॉपिक्स हो जाते हैं ग्रुपिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स, ज्योमेट्रिक से पैटर्न, ऑड वन आउट, रैंकिंग टेस्ट एंड जनरल क्वेश्चन। साथ ही बच्चे एंड पेरेंट्स, आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम से संबंधित वर्कशीट एंड क्वेश्चंस पेपर डाल चुकी हूँ, चाहे वह कंप्यूटर से रिलेटेड हो, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड एंड मैथ से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स, नंबर 2 पेपर है मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा सिलेबस रहेगा न्यूमरल्स, नंबर्स नेम एंड नंबर सेंस। 2-डिजिट नंबर्स इसमें रहेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लेंथ, वेट एंड कंपेरिजन, टाइम एंड मनी, ये आपके मैथ के टॉपिक्स रहेंगे। ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड, जनरल मैथ्स। हमारा 3rd पेपर आ जाता है साइंस। साइंस में आपके टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स रहेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नीड्स, फैमिली एंड शेल्टर, गुड हैबिट एंड सेफ्टी रूल्स, आवर सराउंडिंग एंड नेबर, एयर एंड वाटर, वेदर एंड द स्काई, जनरल साइंस। एंड लास्ट 4th पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। वोकैबुलरी, वर्ड पावर रहेंगे एनिमल्स में, देयर बेबीज, साउंड एंड ग्रुप्स, नाउन प्रनाउन, वर्ब्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, प्रोस एंड पॉट्री एंड जनरल इंग्लिश। ये आपके क्लास फर्स्ट के टोटल सिलेबस हैं, जिसमें आप सिंगल क्वेश्चन पेपर में ये सारे पेपर्स रहेंगे, इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डाल रही हूँ, तो उसे आप देखना ना भूलें, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा सैम्पल पेपर का कि किस तरह के पेपर आएंगे, आप अपने बच्चों को किस तरह से तैयारी करवा सकते हैं या बच्चे खुद भी इसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।